please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Mumbai se aa rahi khabar jahan par Goregaon mein पारेख कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही। फैक्ट्री में लगी आग तेजी से फैलती जा रही और दमकल की 8 गाड़ियां लगातार आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। हालांकि आग में किसी भी तरह के किसी नुकसान की बड़ी खबर अभी तक नहीं आ रही, लेकिन कोई हताहत भी नहीं हुआ है। आग बुझने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जाएगा। फिलहाल थम नहीं रहा है और इस वक्त गोरेगांव में एक कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पारेख डाइंग करके इस कंपनी का नाम है, कपड़े की ये फैक्ट्री है और करीब 7:30 बजे आज सुबह में जो है आग लगी है और आग की लपटें लगातार जो है वो उठती जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो लगातार बुझाने का काम कर रही हैं आग को, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आग की लपटें हैं, अंदर कपड़े भरे हुए हैं और करीब 60 से 70 लाख रुपए के कपड़े होने के अंदर अंदाज़ा लगाया जा रहा है। गोरेगांव इंडस्ट्रियल इलाका है ये ईस्ट का और आप तस्वीरें देख सकते किस तरह से थोड़ा कार्रवाई हो रही है। आग बुझाने के लिए हर संभव कोशिश फायर ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है, लेकिन जो कोशिश है वो अभी तक जो है कामयाब नहीं हो पाई आग को बुझाने में। और आग की लपटें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर तक उठती जा रही हैं और धुआं जो है तो लगातार जो पिछले 3-4 घंटे से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये सूत्रों की माने तो अंदर कुछ लोग थे, लेकिन फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की माने तो अभी तक किसी के मरने की कोई जानकारी इसमें नहीं है, लेकिन अंदर होने की आशंका किसी की जताई जा रही है। लेकिन जब अंदर फायर ब्रिगेड के अधिकारी घुसेंगे तभी पता चल पाएगा कि कितने लोग इसमें अंदर थे या कोई था या नहीं था। इसको देखते हुए जो है अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जिस तरह के आप हालात देख रहे हैं, यहाँ पे एक फैक्ट्री थी यहाँ कपड़े की, वो बिल्कुल जो है जल के राख हो चुकी है और जो पारेख डाइंग की जो कंपनी थी वो जो है जल के राख हो चुकी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है, फायर ब्रिगेड के लिए एक मुश्किल है कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आप देखने वाली बात होगी कि अंदर कोई है या फिर किसी की डेथ हुई है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।